بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين इंशाल्लाह आज चले हम दूसरे दुआए कुनूत की तरफ चलते हैं जो कि हमारे यानी कि हिंदुस्तान में बहुत मारूफ है। अक्सरियत जो है मुसलमान की वो इसी दुआए कुनूत को पढ़ती है और इंशाल्लाह देखते हैं ये भी दुआए कुनूत बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसको काफ़ी लोगों को याद भी होगी ये, लेकिन मैं ये कहूँगी आप लोगों को कि इंशाल्लाह कुछ बातें हैं जो दुआए कुनूत के ताल्लुक से हम डिस्कस करने वाले हैं वो लाइव क्लास में डिस्कस होगा। तो इंशाल्लाह लाइव क्लास की वीडियो आप मिस मत करिएगा और लाइव क्लास भी मिस मत करिएगा। तो ये देखते हैं कि इंशाल्लाह उसमें आपको बताया जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से कौन सी दुआए कुनूत है जो साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दुआए कुनूत वित्र में पढ़ा करते थे, कौन सी फजर में पढ़ा करते थे, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। तो चलें इंशाल्लाह देखते हैं क्या है बात। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्लाहुम्मा ये हम बता चुके हैं कि यहाँ पर जो लाम है लफ्ज़ुल जलाला का ही लाम होता है, इसको आपको पुर करके पढ़ना है अल्लाहुम्मा। मीम मुशद्दा है, टू काउंट्स ऑफ गुन्ना दें यहाँ पर आप, फिर नून है, फिर नून मुशद्दा है, दो हरकत के बराबर आपको गुन्ना देना है। उसी के साथ साथ अलिफ़ मद्या का भी टू काउंट आपको देना है। सीन पर अच्छे से सफ़ीर करके पढ़े नस नस ऐसे, नस नस ऐसे नहीं पढ़ना आपको। ता हल्का पढ़े, आयन को जो है वो या मत दिया करें, ई ई नून को हल्का पढ़े, काफ को भी हल्का पढ़ें। वाव है, फिर उसके बाद नून है, सीन पर आपको सफ़ीर करते हुए नस ऐसे करना है, कलकला से बचें। हाँ नस नस ऐसा नहीं पढ़ना आपको, नस ता गैन पर भी कलकला ना करें, आवाज़ में एक बाउंसिंग नहीं होनी चाहिए बल्कि हलक से आराम से गैन को ठहरा कर निकालें आप, और फा को हल्का पढ़ें, फिर रवा को हल्का पढ़ें, काफ को भी हल्का पढ़ें। आगे देखें, व नु मीनु बी का व न तवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। यहाँ पर वाव है, नून के बाद देखिए कि यहाँ पर वाव के ऊपर छोटा सा हमज़ा बना हुआ है। तो याद रखिए ये रूल, अगर समझिए कि वाव है या फिर अलीफ है या फिर उस या है, इसके ऊपर अगर साकिन हो, हमज़ा बना हो और साकिन हो, तो आपको इसको थोड़ा सा झटका देके पढ़ना है, आप इसको खींचे मत। व नू मीनू ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, व नू मीनू हल्का सा झटका देके, ये तो आपको बताया जा रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा वाजे करके बता रही हूँ, इतना ज़्यादा भी झटका ना दें। व नू मीनू जब मैं तिलावत करूँगी तो बड़ा हल्का सा ही इसी तरीके से। फिर बा के नीचे देखिए कि जेर है, हल्का सा पढ़े बी का, अच्छा इसको बी का ऐसा नहीं करना है आपको। वाव है, नून देखिए, नून है, ता है और वाव सब पे ज़बर ज़बर है, तो इसको जल्दी जल्दी अदा करें। काफ के ऊपर तशदीद है, दो आवाज़ आएगी काफ की, व न कलू इस तरीके से, भारी कुछ नहीं करना है आपको। आइन है, लाम के साथ यालीन है, तो अलई अलई ऐसा, देखिए बड़ी ये की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अलय अलय का ऐसा नहीं पढ़ना है आपको, अलई का। फिर उसके बाद वाव हल्का पढ़े, नून देखिए यहाँ पर नून के ऊपर पेश है, फिर जो है वो सा है, नून को सा में मिलाए, वनुस नी दूसरा जो नून है उसके साथ या मध्य आपको करना है। फिर अलई का अल्हम्दुलिल्लाह मरा चुका है, काफ को लाम में मर्ज करें और ख्वा को मोटा करें लेकिन लीन भी करें उसके साथ, और जो है नरमी से अदा करते हुए रॉ के पर ज़बर है जल्दी से अदा करें। इसको आप खैर 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 ऐसा नहीं बोलेंगे, अलई कल खैर ऐसे, ठीक है। अगले हिस्से पर हम चलते हैं, व नश्कुरु का व नकफुरु का व नखलउ व नथरुकु मन यफजुरु का।
अच्छा, यहाँ मैं नहीं रुकने की सूरत में आपको सब आखिर आखिर में बता रही हूँ, और जब रुकना हो तो किस तरीके से पढ़ना है इंशाल्लाह वो भी बताते हैं। यहाँ चले वाव को जल्दी से अदा करें, और नून है शीन पे आपको साकिन है तफाशी करना है, वह नश नश ऐसे और नस नस ऐसे नहीं पढ़ेंगे। काफ रा और फिर काफ है यहाँ पर, आपको इसको जो है सब हल्का हल्का पढ़ा जाएगा और जल्दी अदा करेंगे क्योंकि हरकात है इसके ऊपर। वाव है लाम के साथ अलिफ मध्य टू काउंट देना है, फिर नून है काफ के ऊपर साकिन है, देखिए वला नख हल्का हल्की सी बहुत ही हल्की सी हम साफ करेंगे और ख की हल्की सी हिंदी की ख की आवाज़ आएगी, नक नक नहीं करना आपको, व नख हल्का सा बहुत हल्का सा, ये तो मैं आपको वाजे करने के लिए थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। फा रवा और काफ को आप जल्दी से अदा करेंगे, वाव है और नून को ख में मिलाते हुए ज़रा ध्यान रखें कि नख नख या फिर नख नख ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पर हलक से आराम से आपको ठहरा कर निकालना है, व नख लाउ आराम से इस तरीके से। फिर वाव है यहाँ पर और वाव के बाद देखिए कि नून है तापे साकिन है, तो यहाँ पर भी हल्का सा जो आपको जो है वो थ अथ नथ ऐसे, ठीक है, नत नत नहीं करना है नहीं तो कलकला की आवाज़ आ जाएगी। रवा काफ को जल्दी से अदा करें और हल्का पढ़ें। फिर यहाँ पर देखिए मीम है नून साकिन के बाद या मुशद्दा है, तो इदगाम बितगुन्ना करना है, कैसे करेंगे आप इसको, मैं मैं फा पे जो है वो कलकला से बचें और इस पे जो है वो हम्स करते हुए मैयफ जूरू का मैयफ यफ फा की आवाज़ अच्छे से वाजे करें। चले अगले हिस्से पर हम चलते हैं। अल्लाहुम्म इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ, ठीक है, यहाँ देखिए आप अल्लाहुम्मा ऊपर हम बता चुके हैं, यहाँ पर अक्सर जो गलती होती है इसमें आगे हिस्से में इया का पढ़ते, इया का देखिए या के ऊपर तशदीद है, आपको या की आवाज़ दो मरतबा निकालनी है, इया का, ठीक है, काफ को जल्दी से अदा करें। नून के बाद आइन पर साकिन है, नअबुदू नअबुदू या फिर नअबुदू ऐसे झटका नहीं देना है, हलक में आइन को आराम से ठहराएं, नअबुदू, ठीक है। वाव है लाम और काफ ज़बर ज़बर है, जल्दी अदा करें, फिर उसके बाद स्वात को हैवी करें और लाम की आवाज़ दो दफ़ा निकालते हुए लाम के साथ या मध्य करना है, नुफली ऐसे। वाव है फिर नून है, नून के बाद देखिए सीन साकिन है तो नस ऐसे आपको सफ़ीर अच्छे से करना है, फिर जीम और दाल पे जो है हरकत है तो आप इसको जल्दी से अदा करेंगे, नस जू दू, याद रखें आप इसको नस जू दो जो दो ऐसा नहीं करेंगे पाउट करके, बल्कि होंठ को पूरा गोल करके पेश को अदा करें। फिर वाव है यहाँ पर हमज़ा अच्छे से अदा करें, इलाई का लई लय का इलाय का ऐसा नहीं पर भाड़ी ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। फिर देखिए सीन पे वापस साकिन आ गया तो नस आइन को अच्छे से अदा करें। फिर अगले हिस्से पर चलें, व नहफिदु व नरजु रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन अज़ाबक बिलकुफ़ारि मुल्हिक। वाव है नून को हा में मर्ज करें, नह नह अच्छे से हा अदा करें, फा को जल्दी पढ़े, दाल को भी अच्छे से पेश के साथ जल्दी पढ़े। वाव है नून के रॉ में मिलाए, नर 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 ऐसा कलकला ना करें, जिम के साथ वा मध्या करें, रॉ को हा में मिलाए, नर जू ये तो हो गया, रॉ को हा में मिलाते हुए रोह इस तरीके से आपको अदा करना है। मीम ता काफ वाव ये सब जल्दी जल्दी अदा होगा क्योंकि ज़बर 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 है। नून को खा में मिलाते हुए ध्यान रखें, नख 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 श, फिर आइन को हलक से निकालें, अज़ाबा का जाल के साथ अलिफ मध्य टू काउंट दें, दो हरकत के बराबर खींचे। इन ना में भी देखें यहाँ पर जो है ये नून को नहीं खींचना है बल्कि गुन्ना करना है, टू काउंट देना है, इन ना दैट्स इट, ना बहुत ही मानी गलत हो जाएगा, अज़ाब का हमारा हो चुका है। बा को लाम में मिलाएं और कलकला से बचें। अब तो आप बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फैमिलियर हो गई होंगी कि लाम पे किस तरीके से लोगों को जो है नहीं कि तिलावत के वक्त जो कलकला होता है ना, बिल कुफारी, जी नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ना, बिल नहीं, बिल इट्स ए बिल, बस आवाज़ को रोक ले वहीं पर, इस पर कलकला नहीं करना आपको।
फिर काफ है फा के ऊपर देखिए तशदीद है और अलिफ मद्दिया भी है, टू काउंट देना आपको, रॉ को हल्का पढ़ें। मीम को लाम में मिलाते हुए भी ध्यान रखें कि कलकला ना होने दें। मूल मूल हिक नहीं, इट्स मूल हिक हिक, क्यों मैं काफ को साकिन कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात ख़त्म हो गई है, दुआ ख़त्म हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह एक मरतबा हम पूरा फिर देख लेते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं रुकूँगी तो मैं काफ को साकिन करूँगी, जब मैं काफ को साकिन करूँगी तो हल्की सी ख की आवाज़ आएगी, हिंदी का जो ख होता है, उर्दू का ख्वा नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुने, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नि अलैकल खैर व नश्कुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नथरुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्अ व नहफिदु व नरजु रहमतका व नख्शा अज़ाबक إن أثابك بالكفار ملحق। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से थोड़ा सा वक्त जाएगा, यानी कि ठहर ठहर कर पढ़ने में, लेकिन कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं। दुनिया के दूसरे काम हम बड़े आराम से करते हैं, तो नमाज़ क्यों हम जल्दी पढ़ते हैं या फिर क्यों हम जल्दबाजी करते हैं, ठहराव रखें अपनी नमाज में। चले हम इसको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, एक शऊर जब आया जब से हम इसको याद किए पढ़े। क्या है इसमें दुआ है, बहुत ही खूबसूरत दुआ है, और यकीन करें कि समझने के बाद बंदे को ख़ुद एक शर्मिंदगी महसूस होती है इस चीज़ की कि मैं अल्लाह से इस दुआ में क्या वादा ले रही हूँ और मेरा अमल क्या है। चलिए देखते हैं, कुछ तो है इसमें जो हम समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाहुम्मा कहीं पर भी आप पढ़ें अल्लाहुम्मा, याद रखें कि ये जो है ये है पुकार, एक दुआ मांगने का एक सलीका जो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, हम तक पहुंचाया। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह को पुकारें, ऐ अल्लाह इन्ना, बेशक हम, नस्तईनुका, हम तुझी से मदद चाहते हैं। देखिए हम अल्लाह से बोल रहे हैं, हम अल्लाह से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह तुझी से मदद हम मांगते हैं और तुझी से हम मग़फ़िरत मांगते हैं। सवाल उठता है क्यों भाई, हम क्या गुनाह कर रहे हैं जो मग़फ़िरत मांग रहे हैं? जी हाँ, इंसान गुनाहों का पुतला है, उसे हर लम्हे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह से मांगते रहना है। ज़रा काउंट करते जाएं हम क्या क्या दुआएं कर रहे हैं। नंबर वन, अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं। नंबर टू, अल्लाह हम तुझी से बख्शिश मांगते हैं, मग़फ़िरत मांगते हैं। वनु मीनू भी कहेगा, और तुझ पर ईमान लाते हैं। देखिए फिर सवाल उठता है भाई, ये हम क्या कह रहे हैं अल्लाह से, हम तो ऑलरेडी अल्लाह पर ईमान लाते हैं। जी हाँ, मुसलमान होना और ईमान मानो वाला होना ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। जब बंदा जो है मुसलमान है तो वो अल्लाह के हुक्म को इतनी अहमियत नहीं देता है जितना एक बंदे मोमिन देता है। एक ईमान वाला बंदा होगा तो देखिए, एक मुसलमान शराबी जुआरी चोर जो है डाकू कुछ भी हो सकता है, मुसलमान है भाई, उसका मुसलमान नाम है, मुसलमान घर में पैदा हो गया। लेकिन एक बंदा जब उसके अंदर ईमान दाखिल होता है तो वो चोरी से बचता है, क्यों, अल्लाह को पसंद नहीं। वो झूठ बोलने से अपने आप को बचाता है, अल्लाह को पसंद नहीं। फिर वो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम नहीं करता है। तो मुसलमान और मोमिन में ये फ़र्क है। एक मोमिन को ये शऊर होता है कि मेरा रब मेरे इस काम से नाराज़ होगा तो मुझे ये काम नहीं करना है। हम अल्लाह से इकरार कर रहे, अल्लाह सिर्फ तुझी पर ईमान रखते हैं हम, व नतवक्कलु अलैका, सुभान अल्लाह, और सिर्फ तुझी पर भरोसा करते हैं। सोचिए आप बोल रही हैं, हर रोज़ इशा की नमाज़ में आप इसको पढ़ती हैं और आप अल्लाह से ये सब इकरार कर रही हैं, अल्लाह ताला ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो अपने आप को टटोलें ज़रा, क्या वाकई मैं सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा करती हूँ? अच्छा, वनुसनी अलैकल खैर, और हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं, और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं। क्या सच है ये बात?
क्या अल्लाह को छोड़कर कभी आपने और किसी की तारीफ़ की? करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन हम अल्लाह से दुआ में कह रहे हैं कि अल्लाह हम तो सिर्फ तेरी ही अच्छी अच्छी तारीफ़ें करते हैं। उसके बाद का हिस्सा तो बड़ा ज़बरदस्त है, ज़रा गौर से सुनिएगा। वनशकुरु का वला नखफुरु, और अल्लाह से आप ये इकरार कर रहे हो कि अल्लाह तेरा शुक्र करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते हैं। और एक वादा ज़रा सुने ध्यान से, वनखलाउ, और अलग करते हैं हम और छोड़ देते हैं हम जो तेरी नाफरमानी करे। लीजिए भाई, अल्लाह सुभान ताला से इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह हर वो बंदे को मैंने छोड़ दिया या मैं छोड़ दूँगा जो तेरी नाफरमानी करता है। अरे इंसान जो ये पढ़ रहा है, ज़रा अपने आप में गौर कर ले। यहाँ तो आप कह रहे हो कि अल्लाह जो तेरी नाफरमानी करता हम उसको छोड़ देंगे। क्या ये ईमानदारी अल्लाह सुभान ताला के साथ है हमारी? आज देखें कि रिश्ते नातों के नाम पर, प्यार मोहब्बत के नाम पर किस क्या कुछ जो है अल्लाह की नाफरमानी के काम इंसान करता भी है और उनका साथ भी देता है और उनमें उसका इन्वॉल्वमेंट भी होता है। और दुआ में हम क्या करें, अल्लाह ताला हमने छोड़ दिया उसको जो तेरी नाफरमानी करता है। क्या ये अल्लाह सुबहान ताला से आप जो कह रहे हैं, क्या अपनी बात में आप सच्चे हैं? जाए नमाज पर तो आपने अल्लाह से ये कह दिया, जाए नमाज लपेटने के बाद अल्लाह की कितनी नाफरमानी के काम इंसान ख़ुद करता है, दूसरों को तो छोड़ दे। और वो भी कहा ना मैंने, रिश्तों नातों के नाम पर, रस्म रिवाज के नाम पर, दीन के नाम पर बहुत सारे नाफरमानियों के काम होते हैं। और अल्लाह से हम कह रहे हैं अल्लाह तेरी नाशुक्री नहीं करते, हम सिर्फ शुक्र करते रहते हैं। तो शुक्रगुजारी क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने सूरत अल-फातिहा की जो तफसीर सुनी है, जिन लोगों ने नहीं सुनी है तो वो इंशाल्लाह मैसेज करें, आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें या हमें सुनना है तो इंशाल्लाह हम ग्रुप में शेयर कर देंगे कि शुक्रगुजारी क्या है। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। अल्लाह जो तूने जिस हाल में भी रखा है मैं उसमें तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ज़बान से शुक्र करना ज़रूरी नहीं है, इंसान को जो है अपने अखलाक से, अपने रवैयों से, अपने दिल में एक इत्मीनान रखना, अपने हालात पर मुतमईन रहना, ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। बाहर हालात कैसे हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, अगर आपका दिल मुतमईन है तो आप खुशनसीब हैं कि आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं, सुभान अल्लाह। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते हैं। कितनी प्यारी बातें देखें, आप इकरार कर रही हैं। हम रोज़ नमाज में ये इकरार करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत कर रहे हैं, तेरे लिए ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम तेरे लिए ही सजदा करते हैं। क्या हर मुसलमान इस बात पर ईमानदारी से काम करता है? क्या वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए सजदा कर रहा है? क्या उसकी नमाज़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए है? नाउज़ बिल्ला बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर नमाज़ों के लिए जाए नमाज भी निकल जाती, तस्बीहात भी निकल जाते। वो मेरे बच्चे का रिज़ल्ट है, वो मेरे बच्चे का पेपर है, या बच्चे ख़ुद ही रिज़ल्ट आने वाला है, पेपर है, तो जाए नमाज निकल गई, तस्बीहात निकल गए, और उसके बाद जाए नमाज कहाँ है, तस्बीह कहाँ है, कुछ पता नहीं। तो क्या ये वादा सच्चा है अल्लाह से जो आप कर रही हैं या जो आप कह रही हैं कि अल्लाह नमाज सिर्फ हम तेरी पढ़ते हैं, तेरी ही तेरा ही सजदा करते हैं और तेरी ही तरफ दौड़ते हैं? सोचे क्यों दौड़ते हैं? और खिदमत के लिए, यानी तेरी तरफ दौड़ते हैं और खिदमत के लिए हम हाजिर हैं। क्या सच्ची बात है ये? आप हमेशा अल्लाह के दीन के लिए तैयार रहती हैं? क्या ये सच्ची बात है? अपने आप से देखिए, मैं नहीं पूछ रही, ये अल्लाह सुभान ताला से आप कह रहे हो नमाज में। अपने आप से बंदा सवाल करे, क्या मैं हमेशा अल्लाह के दीन के काम के लिए तैयार रहती हूँ, दौड़ती हूँ, लपकती हूँ, या मेरी कोशिश नहीं, मेरी भाग दौड़ सारी दुनिया के लिए है? वह नर्जु रहमता का, और अल्लाह हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, सुभान अल्लाह, और हम तेरे आज़ाब से डरते हैं। क्यों? क्योंकि इन आज़ाब का बिल्कुफ़ार मुलहिक, कि तेरा जो आज़ाब है वो काफिरों को जो है, काफिरों को जो है वो हलाक करने वाला है, काफिरों को चिमटने वाला है। सोचिए, ये अल्लाह सुबहाना ताला से हर बंदा हर नमाज में ये वादा ले रहा है, ये कह रहा है, लेकिन कितनी सच्ची बात है। अपने आप में हर बंदा गौर करे इसको,
कि वाकई जो है ये अल्लाह का अज़ाब जो है हलाक करने वाला जो है काफिरों को, ये इससे हम अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं। यकीन करें, समझ कर पढ़ते हैं ना जब हम इसको, ऐसे नमाज में रोनते खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं कि अल्लाह मैं तुझसे ये कह तो रही हूँ लेकिन मेरा अमल नहीं है इसके ऊपर, 100% अमल नहीं है। तो बाद में आप दुआ भी मांगे अल्लाह से कि अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा है तुझसे, जो दुआ की है नमाज में, इससे मुझे जो है वो यानी कि अमल की तौफीक अता फरमा। एक एक चीज़ को महसूस करके पढ़ें और उसके बाद फिर देखिए आपकी नमाज आपको सुकून देने वाली नमाज हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। कुछ बातें अगर ना समझ आई तो इंशाल्लाह हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, आपके जो सवाल जवाब आते हैं इंशाल्लाह हम उसमें डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।